हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल अकेडमी देखिए इस वीडियो में हम जो देखेंगे दैट इज़ अ ड्राइंग इन्फरेसिस ड्राइंग इन्फरेंसिस जो टॉपिक है किसका जनरल इंटेलिजेंस का वो टॉपिक हम या रीजनिंग का जो टॉपिक है उसको क्या हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम देखेंगे नाउ देखिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट uh, पॉइंट्स जो जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि यू हैव टू बिलीव द पसीज यू हैव टू बिलीव द स्टेटमेंट यू हैव टू बिलीव द क्वेश्चन यू हैव टू ट्रस्ट द क्वेश्चन देखिए जो भी क्वेश्चन वहां से आता है ना उस क्वेश्चन को क्या है आपको एक्सेप्ट करना है देखिए कभी कभार क्या होता है यू you नो know कि अगर हम ए बी सी लिखेंगे हम कैसे लिखते हैं ए बी सी डी बट अगर आपको स्टेटमेंट में ये बताया गया मतलब ऐसा बताया हुआ है कि ए से ए के बाद सी आ जाता है फिर बी आ जाता है फिर डी आ जाता है नो no डाउट जो ये ट्रेंड है ना ये गलत है पहले बी आना चाहिए फिर सी आना चाहिए फिर डी आना चाहिए बट अगर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा है आपको यही एक्सेप्ट करना है तो खुद ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है जब आप इन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन क्वेश्चन में ये जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना ये हमको ईजी लगते हैं बहुत ईजी लगते हैं क्वेश्चन इवन कि वो स्किप दस्ट टॉपिक वही टहल के चलो देख लेंगे वहीं पर हो जाएगा ठीक बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक और यही क्वेश्चन जब आता है ना गलत होता है क्यों क्योंकि ओवर नॉलेज होती है आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है कहने का मतलब है देखो यहां पे लिखा होगा महात्मा गांधी जो है वो क्या है ऐसा 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 लिखा है वो क्या है वो इकोनॉमिस्ट थे इकोनॉमिस्ट थे मगर ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन में होगा इकोनॉमिस्ट फ्रीडम फाइटर आप क्या करोगे आप फ्रीडम फाइटर को टिक करोगे क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर थे दैट यू डोंट हैव टू बिलीव महात्मा गांधी एक इकोनॉमिस्ट थे एज पर द स्टेटमेंट एज पर द स्टेटमेंट ही इज इकोनॉमिस्ट तो आपको ख्याल रखना है वो यही है अगर ऐसा बताया हिज अ डॉक्टर तो आपको यही एक्सेप्ट करना है हीज़ अ डॉक्टर इवन दो अगर ऑप्शन में आपका क्या है फ्रीडम फाइटर भी है तो इस चीज़ का ख्याल रखिए आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे आप वो पहला सेकेंड सबसे कि आप ट्रस्ट करोगे आप कि यो जो जो स्टेट में ना वो ठीक है फिर क्या है फिर आप क्वेश्चन को मतलब जनरल एक बहुत सिंपल वे में आप क्वेश्चन को लेंगे जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो रहता है इंपॉर्टेंट देखो इंपॉर्टेंट है वो कैब जितनी आपकी वो कैब स्ट्रांग है ना जितनी आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग है ना उतने क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस जो संभव है वो बहुत बहुत, बहुत बढ़ते हैं तो एक आपको ख्याल क्या रखना है एक आपको इस स्टेटमेंट को ट्रस्ट करना है ट्रस्ट के साथ साथ जो इसमें वो कैब है जो इसमें लैंग्वेज है ना वो एज इट इज़ आपको पढ़नी है जैसे इसमें लिखा हुआ है ना वही आपको पढ़ना है चाहे वो स्टेटमेंट गलत हो चाहे सही हो आपको गलत को भी सही मानना है और सही को भी सही ही मानना है आपको नाउ वी विल स्टार्ट अब हम देखेंगे अप्रोच क्या रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टेटमेंट फिर स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे रिलिजन प्रोवाइड द मीनस फॉर अटेनिंग इटरनल पीस सिंपली हमसे पूछ हमको बता क्या बता रहा है स्टेटमेंट में हमें को क्या बता रहा है कि जो रिलिजनज होते हैं जो मज़हब होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं ये मीनस करते हैं प्रोवाइड ये वेज करते हैं प्रोवाइड जहाँ से आप अटेन करोगे इटर्नल पीस इटर्नल पीस मीनज एवर लास्टिंग पीस या फॉर एवर पीस जिसको हम बोलते हैं इटर्नल मीनस जो ख़त्म नहीं होने वाला वाला है पीस so, किस बहुत सारे ऐसे तरीके रिलीजन प्रोवाइड करते हैं जहां से हमें पीस मिलता है नाउ अब इन्फरेंस इन्फरेंस क्या हम पहला इन्फरेंस है रिलीजन एंश्योर प्रॉस्परस लाइफ जो रिलीजन है ना इससे हमें एक प्रॉस्परस लाइफ मिलेगी सेकेंडली रिलीजन हेल्प पीपल टू इरेडिकेट पॉवर्टी रिलीजन से क्या है रिलीजन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी देखिए हम ये आपको एज जनरल लेंगे एज जनरल लेंगे रिलिजनज इन्श्योर प्रोस्परस लाइफ क्यों नहीं क्यों नहीं रिलिजनज विल एन्श्योर प्रॉस्परस लाइफ रिलिजनज हेल्प पीपल टू इरिडिकेट पॉवर्टी क्यों नहीं जो आप ज़क़ात देते हो जो आप मदद करते हो आपको रिलीजन बताता है कि दूसरे पर्सन को आप मदद करो तो यू कैन एरडिकेट पॉवर्टी बट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ना क्वेश्चन में सिंपल हमसे स्टेटमेंट क्या है रिलीजनज प्रोवाइड द मीन्स फॉर अटेनिंग इटर्नल पीस और यहीं पे अगर ये दोनों स्टेटमेंट हम देखेंगे ना दोनों स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन क्या होती है ऑप्शन ऐसे होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलोज़ स्टेटमेंट सेकंड फॉलोज़ फिर होता है बोथ स्टेटमेंट फॉलोज नन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोज़ यहाँ पे क्या है दोनों स्टेटमेंट गलत है क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो जो इन्फ्रेंस दोनों गलत है क्योंकि वो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है रिगार्डिंग द प्रॉस्परस लाइफ ना स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है अबाउट इरिडिकेटिंग पॉवर्टी सो स्टेटमेंट में सिंपली क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिलिजन प्रोवाइडस द मीन्स फॉर अटेनिंग इटरनल पीस इट है दिस स्टेटमेंट हैज़ नथिंग टू डू वैन इट कम्ज टू प्रॉस्परस लाइफ एंड इट हैज़ नथिंग टू डू वैन इट कम्ज टू इरेडिगेटिंग द पॉवर्टी सो बो द इन्फ्लेंस डज नॉट फॉलो यहाँ पे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे स्टेटमेंट क्या है ए पुलिस ऑफिसर रिसीव कंप्लेन दैट एम पी इज टेकिंग ए ब्राइब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वर्क एक पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन बहुत सारे कंप्लेन उसको मिलती है रिसीव कंप्लेन दैट एम पी हिज डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस डिस्ट्रिक्ट का है इज टेकिंग ए ब्राइब वो क्या है करप्टेड है रिश्वत लेता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सम वर्क इन वर्ड्स का ख्याल रखे सम का ख्याल रखे ऑल का, का ख्याल रखे ऑफन का ख्याल रखे ये की वर्ड्स होते हैं ये की वर्ड्स आपको ढूंढने होते हैं नाउ, द पुलिस ऑफिसर शुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड कैच दैट एम पी रेड हैंडेड देखिए ऐसे तो हमें लग रहा है ठीक है पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस पर्सन को उसको पकड़ना चाहिए या द पुलिस ऑफिसर शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स एंड देन कैच रेड हैंडेड देखिए आपको तो दूर से पता चल रहा है स्टेटमेंट सेकंड गलत है क्योंकि उसको वेट अब नहीं करना चाहिए और आपको लग रहा है फर्स्ट ठीक है देखो दोनों गलत है ये दोनों जो है ना ये एक्शन है ये दोनों एक्शन है कि after, आपको एक्शन से कुछ नहीं करना है वट यू नीड टू यू हैव टू इन्फर है समथिंग ये दोनों जो है ना दोनों एक्शन है दोनों गलत है इन्फर क्या था इन्फर यही है कि जो पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन मतलब बहुत सारे कंप्लेन मिले हैं रिगार्डिंग एम पी और वो एम पी क्या कर रहा है वो एम पी रिश्वत पकड़ता है कुछ काम कराने के लिए और जो इन्फ्रेंस दिए ना ये दोनों एक्शन है उसको क्या करना चाहिए अब तो हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है वी हैव नथिंग टू डू विद एक्शन वॉट वी नीड टू वी नीट इन्फर कुछ भी यहाँ से इन्फर जो इन्होंने दिया है ना कुछ भी इन्फर नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ऊपर किसी भी जगह नहीं मिल रहे हैं सो बोथ आर नॉट आंसर इन शॉर्ट जो भी एक्शंस होते हैं ना आई नो कि आपको पता था कि यही तो करना चाहिए ना उसको उसको जाके उसको पकड़ना चाहिए रेड हैंडेड बट दैट इज़ एक्शन दैट इज़ नॉट इन्फ्रेंस नाउ इसके बाद

गलत रिपोर्ट है नाउ अनदर इंक्वायरी कमीशन शुड बी सेंट फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेन यू आर सीइंग दिस इज एक्शन द मैम्बर ऑफ द कमीशन शुड बी सीवरली पुनशड अगेन दिस इज अक्शन सो बहुत आर रॉन्ग बहुत आर रॉन्ग बिकॉज दे आर एक्शन और जो आपको नहीं उठानी है वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट द इनफर आप लिमिट रखें ना खुद को लिमिट करिए ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए खुद को लिमिट करिए वॉट इज गिवन उनमें से आप क्या है ये आफ्टर दैट आफ्टर दैट ये हो के क्या करना चाहे वो आपसे नहीं पूछ रहा है ये जो हुआ ना वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है सो दिस इज़ द जनरल ये क्या है ये जनरल प्रोटेस्ट है तो आप क्या करोगे आप बताओगे एज वन एंड सेकंड और एक्शन स्टेटमेंट इन्फ्रेंस फर्स्ट इज एक्शन सेकंड इज एक्शन नॉन ऑफ देम दॉलोज नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन देखिए मेडिसन एक्स इज अ ड्रग ठीक विच इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड देखिए मेडिसन एक है एक uh, medicine है जिसका नाम है एक्स वो एक ड्रग है जिससे क्या हो जाता है रिपल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए रिपल मीन्स ब्रेक्स रिपल मीन्स की गंदा कर रहा है इन द मेडिकल फील्ड मेडिकल फील्ड में इससे क्या हुआ ब्रेक्स आ गए इस मेडिसन एक्स की वजह से नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड देखिए ये तो हम इन्फर नहीं कर रहे हैं क्या पता कोई और भी करता होगा हमें बस ये पता चली एक मेडिसन है जिसका नाम एक्स है वो क्या कर रहा है वो मेडिकल फील्ड में रिपल्स क्रिएट करता है इसका मतलब ये नहीं कि वाई ड्रग नहीं कर रहा है जड ड्रग नहीं कर रहा है हमें बस यही पता है एक्स नहीं कर रहा है सॉरी एक्स भी कर रहा है और एक्स के साथ कौन कौन कर रहा है वो हमें नहीं पता अगर वर्ड ऑनली लिखा होता है मेडिसन एक्स इज अ ड्रग विच इज कॉजिंग रिपल्स ऑनली लिखा होता तब हमें पता था कि खाली एक्स और यहां पे ओनली वर्ड नहीं है इट मीन एक्स के साथ और भी कुछ हो सकता है और जब यहां पे देखोगे ना यहां पे क्लियर कट बता रहा है नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड विच इज रॉन्ग इट कैन बी वी कैन इन्फर दैट नॉट ओनली एक्स एक्स के साथ कुछ और भी ड्रग्स होंगे मे बी वाई मे बी जाड मे बी एनी अदर एक्स मे बी सॉरी मे बी एनी अदर ए बी सी डी ई एफ दैट मे कॉज रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड सो फर्स्ट इज रॉन्ग मेडिसन एक्स इज अ ग्रेट ड्रग अगर ग्रेट ड्रग होता तो ओबियसली रिपल कहाँ से क्रिएट करता सो मेडिसन एक्स इज हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ ग्रेट ड्रग सो बोथ डज नॉट फॉलो इन फर फर्स्ट इन फार सेकंड डज नॉट फॉलो नाउ कमिंग टू एनदर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है द टिकट फॉर अ बॉल बॉलकोनी क्लास इज अट्रोशियसली प्राइस एट रुपीज टू हंड्रेड देखिए सबसे पहले आपको एट्रोशियसली पता होना चाहिए तब जाके हम इस क्वेश्चन को करेंगे एट्रोशियसली होता है कि मतलब बहुत ज्यादा इन ए वेरी इवल मैनर यू कैन से इन a वेरी क्रूअल मैनर आपने क्या किया है आपने दो सौ रुपए की टिकट लगाई है बालकनी क्लास को जो कि नहीं लगानी चाहिए आपको सौ रखना चाहिए 200 दो सौ आप ये भी नहीं बता सकते हो सौ रखना चाहिए बस आप ये कह सकते हो दो सौ से कम रखना चाहिए थे क्योंकि दो सौ जो है ना वो एट्रशियसली है वो इवलली आपने इनक्रीज किया है वो अन मतलब यू कैन से अनजस्टिस है वेन इट कम्स टू द क्लास

नाउ स्टेटमेंट सेकंड रुपीज टू हंड्रेड इज अ वेरी बिग अमाउंट टू पे फॉर अ बालकनी टिकट एंड विच इज़ राइट सो यहां पे फर्स्ट डज नॉट फॉलो वाइल सेकंड फॉलोज यहां पे सेकंड फॉलो कर रहा है क्यों फॉलो कर रहा है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि दो सौ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है वैन इट कम्स टू द बालकनी टिकट वही तो यहां पे लिखा हुआ है ना द टिकट फॉर द बालकनी क्लास इज एट्रोशियसली प्राइसड एट रुपीज टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड इज बिग अमाउंट इट्स अ बिग अमाउंट वैन इट कम्स टू द बालकनी क्लास इट शुड हैव लेस देन टू हंड्रेड सो हियर स्टेटमेंट सेकंड फॉलोज नाउ राजू शर्मा डिस प्रेजेंट सैलरी एंड ज्वाइन अनादर कंपनी एक पर्सन है राजूव शर्मा वो क्या करते हैं वो डिस है अपनी कंपनी से उसको सैलरी जो है बोनसेज जो है वह अच्छे खास नहीं मिल रहे हैं ज्वाइन हिज अनदर कंपनी जिससे वो क्या करता है वह दूसरे कंपनी को ज्वाइन करता है नाउ इतना ही बताया हुआ है द न्यू कंपनी गिवज ऑल इट्स एम्प्लॉयज ए गुड सैलरी यहां पर आपको ख्याल रखना वर्ड ऑल हमें नहीं पता हमें यह पता है कि जो राजू शर्मा है उसको थोड़ा बहुत पिछले कंपनी से ठीक पैसे मिलते होंगे तभी तो इस कंपनी ज्वाइनज एन अदर कंपनी मगर यहाँ पे वर्ड ऑल एम्प्लॉयज़ को हमें नहीं पता दूसरे एम्प्लॉयज के साथ क्या होता है क्या उनको अच्छी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है वी कांट सी सो ड्यू टू दिस ऑल वर्ड ड्यू टू दिस ऑल वर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ अ रॉन्ग मैन स्टेटमेंट सॉरी इन्फ्रेंस फर्स्ट इज रॉन्ग मैन इन्फुलेंस फर्स्ट इज रॉन्ग द प्रेजेंट कंपनी रनज इन अ लॉस हमें नहीं पता कि कंपनी लॉस में है कंपनी प्रॉफिट में है कंपनी बैलेंसड है क्या है वो भी हमें नहीं पता सो नन ऑफ द इन्फ्रेंस फॉलोज यहाँ पर इन्फर अगर आपको बताएगा कभी बताओ इसमें इन्फर क्या है इन्फर इतना इतना ही है इसमें कि जो पहली कंपनी थी राजेश शर्मा उससे डिसेटिस्फाई थे अब वो दूसरे कंपनी में चली गई दैट दिस इज द वो दिस इन्फुलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट नाउ अनदर क्वेश्चन पीपल ऑफ ऑल एजेस हैव फाउंड अस वेरी गुड पीपल टू ग्रो विद पीपल वॉन्ट टू ग्रो सही हम ये नहीं बता सकते पीपल वॉन्ट टू ग्रो और पीपल डोंट वॉन्ट टू ग्रो सही आपको पता है पीपल चाहते हैं कि वो बट जाए बट जरूरी नहीं है ना पीपल ऑफ ऑल एजस हैव फाउंड अस वेरी गुड पीपल टू ग्रो विद सो वे आर अ गुड पीपल डेफिनेटली स्टे जो इन्फुलेंस सेकंड है इट फॉलोज वाई इट फॉलोज यहाँ पर देख सकते हो पीपल ऑफ ऑल एजिज़स हैव फाउंड वेरी गुड पीपल सो दीज पीपल्स आर गुड पीपल सो वी आर गुड पीपल एंड विच इज राइट क्यों क्योंकि आपको यहां यहां से पता चल रहा है स्टेटमेंट से जो इन्फ्लेंस सेकंड है वो ठीक है वो फॉलो करते हैं वैल इज इंफ्लेंस फर्स्ट डज नॉट फॉलो नाउ कम्यू टू एनदर क्वेश्चन मनी कॉटन फार्मर्स आर कमेटिंग सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ रेन्स बहुत सारे देखो मनी वर्ड है मनी वर्ड है प्लीज़ यहाँ पे ख्याल रखे ख्याल रखें इन चीज़ का मनी कॉटन फार्मर्स आर कॉमेटिंग सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ रेन बहुत सारे कॉटन फार्मर जो है वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है अदर फार्मर्स आर नॉट कॉमेटिंग सुसाइड देखिए हम नहीं बता सकते मे बी दे मे बी मे बी दे मे बी शुगर कैन फार्मर्स मे बी हमें नहीं पता शुगर कैन फार्मर क्या कर रहा है हमें नहीं पता बाकी क्रॉप वाले फार्मर्स क्या कर रहे हैं सो स्टेटमेंट फर्स्ट डज नॉट फॉलो

<coughs> ये नहीं बताना बारिश नहीं हुई थी हम क्या कर सकते हैं हम पानी डाल सकते थे इरिगेशन दे सकते थे ज़मीनों में ऐसा कुछ आपको इन्फर नहीं करना है खुद से नाउ एंगर इज एनर्जी खुद बता रहा है जो एंगर है वो क्या है एनर्जी इन अ मोर प्रोएक्टिव वे एंड हाउ टू चैनलाइज इट इज इन इन इट सेल्फ ए स्किल इसका मतलब है कि जो ये खुद में एक स्किल है कि जो एंग, ए, एंगर को चैनलाइज कर पाए ये बता रहा है जो एंगर है ना वो एक एनर्जी है मगर उस इंसान के लिए जो कि एक स्किलफुल पर्सन है वो जो कि वो चैनलाइज कर सकता है तो इसका मतलब है हर कोई नहीं कर सकता है एंगर नीड्स टू बी चैनलाइज जरूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है एंगर नीड्स टू बी चैनलाइज कोई नहीं करना भी चाहेगा कोई एंगर को चैनलाइज नहीं करना चाहता है मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट सो फर्स्ट इज़ जो फर्स्ट है वो गलत है स्किलफुल पीपल स्किलफुल पीपल कैन चैनलाइज एंगर टू एनर्जी ये तो राइट है ना क्यों क्यों राइट है ये यहां पे इट सेल्फ ए स्किल तो स्किलफुल पर्सन जो है ना वो चैनलाइज करता है एंगर को एनर्जी में और जरूरी नहीं है हर टाइम एंगर को क्या किया जाएगा चैनलाइज किया जाएगा एज पर द स्टेटमेंट एज पर द स्टेटमेंट आई एम नॉट टेलिंग दैट इज अ रॉन्ग दैट अ राइट बट एज पर स्टेटमेंट दैट इज नॉट राइट क्लियर नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन देखिए गवर्नमेंट हैज हेजड पीपल विद सफिशिएंट इनकम टू गिव अप द स्टडी गवर्नमेंट ने बताया जिन लोगों के पास ठीक ठाक इनकम है इतनी इनकम है आप नहीं बता सकते दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख जबकि आपको सब्सिडी का पता है कि अगर आपको डाई लाख से ज्यादा है शायद आपको वो ये कुछ नहीं करना है उसको गवर्नमेंट हैज आस्कड पीपल विद सफिशिएंट मनी जिनको ठीक ठाक मनी है वो क्या करेंगे वो सब्सिडी छोड़ देंगे सम सिटीजन डू नॉट नीड द सब्सिडी पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग एनी सब्सिडी देखो ये तो ठीक है पहला सम सिटीजन डो नॉट नीड सब्सिडी कौन से कौन से सिटीजन कौन से citizens, जिनको सप्शन बनी है दे डोंट नीड सबसिडी दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव ऑस्कर्ड देम नो सेकंड पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग एनी सबसिडी यह आप नहीं बता सकते हो इस वजह से गवर्नमेंट बता रही है गवर्नमेंट इस वजह से बता रही है कि गरीब के पास सब्सिडी नहीं पूछते इसलिए आप क्या करो जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं वो सब्सिडी छोड़ देंगे ऐसा आप नहीं सोचते क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है जब ऐसा नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स जो स्टेटमेंट सेकंड है स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग वैल इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज बिकॉज सम समो नॉट नीड द सब्सिडी हु हु आर 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 स्टूडेंट्स हु हैव सफिशेंट मनी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड टीम टू हंड्रेड ऑफर टोटल कितने रन बन रहे हैं दो सौ एक मैच में वनडे क्रिकेट मैच में कितने आ, आ, ये भी ख्याल रखना होता है आपको कि आप सर स्पिनर्स कहाँ से करेंगे वो करें अरे कुछ नहीं जैसे लिखा ना ट्रस्टेड ट्रस्टेड क्या बता रहे दो सौ रन हो जाते हैं जिसमें से एक सौ साठ कौन से कर रहे हैं स्पिनर्स कर रहे हैं नाउ टेन परसेंट ऑफ द टीम कंसिस्टेंट ऑफ स्पिनर अरे कौन बता सकता है टेन परसेंट जो है क्या है वो सुपनर्स है सुपनर सुपनर्स लिखा है दो ही कर सकते एक सौ साठ दो ही कर सकते एक सौ साठ क्या पता सारे सुपनर्स से नहीं सारे ये नहीं बता सकते आउट ऑफ दिस वन सिक्सटी वाइर मेड बाय द सुपनर्स दैट मीन्स वो भी थे सो so ये दस परसेंट कहना जो है गलत है हम नहीं बता सकते दस परसेंट सेकंड द ओपनिंग बैट्समैन वायर सुपनर्स हमें क्या पता ओपनिंग बैट्समैन सुपनर्स थे क्या पता वो जो सुपनर था हो भी सकता था क्या पता वो सुपनर सेकंड डाउन पे आया थर्ड डाउन पे आया फोर्थ डाउन पे आया फिफ्थ डाउन पे आया या सुपनर लास्ट साझेदारी थी लास्ट पार्टनरशिप थी सो आउट ऑफ हमें इतना ही पता है दो सौ रन हो गए दो सौ में से एक सौ साठ स्पिनर ने की हम ये नहीं बता सकते कि दस परसेंट स्पिनर्स थे और ओपनिंग बैट्समैन वाले स्पिनर्स थे ये भी नहीं बता सकते नाउ सो so, uh, इसमें क्या आएगा uh, दोनों फॉलो नहीं करते ना फर्स्ट ना सेकंड नाउ इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट देन वी हैव डेफिनेटली जॉब फॉर यू अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो कलाकार हो हमें आपके लिए जॉब है बस ये बताएं यू आर अ गुड आर्टिस्ट अरे नहीं है यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट पूछ रहा है उसे यू आर अ गुड आर्टिस्ट वी डोंट नो वेदर ही इज और नॉट हम पूछ रहे थे इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट अगर आप एक अच्छे कलाकार हो तब हमें आपके लिए कुछ काम है इफ़ यू आर यहाँ पे क्या लिखा है यू आर ए गुड आर्टिस्ट आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो हमें नहीं पता हम उससे पूछ रहे थे तो पहला गलत है सेकंड वी आर इन नीड ऑफ ए गुड आर्टिस्ट यस वी आर इन नीड ऑफ़ वाई वी आर इन नॉट नीड ऑफ़ क्योंकि हमारे पास काम है अगर आप एक अच्छे कलाकार हो हमें आ, क्या है न वी हैव डेफिनेटली ए जॉब फॉर यू डेफिनेटली वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या है हमें आपके लिए जॉब है अगर आप एक अच्छे कलाकार हो सो so, वी क्या यहाँ पे लिखा है वी आर इन नीड ऑफ ए गुड आर्टिस्ट येस वी आर इन नीड ऑफ ए गुड आर्टिस्ट बिकॉज वी हैव सम जॉब दैट्स फॉर हिम नाउ नाउ डेलीविजन सेट्स ऑफ कंपनी एक्स हैज इंक्रीज कंपनी एक्स है आज के दिनों में उसकी जो सेल है किन की टेलीविजन की वो इंक्रीज हो गई ठीक है, सेल ऑफ टेलीविजन भी इंक्रीज हो गई हमारी भी इंक्रीज हो गई सो so, पहला गलत है हम ये नहीं बता सकते उनकी डिक्रीज हो गई हमारी इंक्रीज हो गई नहीं हम दस बेच रहे थे वो बीस बेच रहे थे अब हम बीस बेच रहे हैं वो चालीस बेच रहे हैं तो दोनों का इंक्रीज हो गया सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड द सेल ऑफ़ द टेलीविजन सेट्स ऑफ कंपनी एक्स वॉज नील इन द पास्ट ये भी नहीं कह सकते क्या निल इन द पास्ट पिछले मतलब जीरो था अब जीरो से बीस हो गया वही तो इंक्रीज हो गया नहीं क्या पता हम पहले दस भेज रहे थे अब बीस भेज रहे हैं तो इंक्रीज हो गया है इन शार्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वी कैनॉट सी दैट वी वा हैविंग नील सेल इन द पास्ट वी वाई हैविंग मतलब हम कह सकते हैं कि आज से जो आज मतलब आज के दिनों चल रही है हमारी सेल उससे कम था उससे कम था

ना कहीं दिस स्टेटमेंट इज राइट वाई इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट पर डिपेंड कर रही है ना तो ट्रीज को बचाना चाहिए ना ताकि इंप्रूव हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी सेकंड इंडिया वांट्स ऑनली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकॉमी देखा ऑनली वर्ड नहीं है नहीं इंडिया वांट्स हम कह सकते थे इंडिया वॉन्ट मेनली मेनलीस ऑफ फॉरेस्टर्स टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन खाली इस पर हम डिपेंड नहीं करें। नहीं मेनली से हम बता रहे कि ज्यादातर हम फॉरेस्टों पर डिपेंड कर रहे हैं मगर खाली फॉरेस्ट पर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो लिखा है ऑनली ओनली बाई विच ऑनली वी मीन की खाली वो फॉरेस्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो तो नहीं बता रहा है ये बता रहा है मेनली फॉरेस्ट पर डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से आपका कंक्लूजन फर्स्ट ठीक होता है और कलकुलूजन सेकंड रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑनली वर्ड बिकॉज इन दिस इट वॉन्ट्स टू से दैट इंडिया ऑनली डिपेंड्स अपॉन द फॉरस्टर्स but what was uh, in the statement that india mainly depends upon the forests so first is true why it is true trees should be preserved to improve the indian economy because indian economy is mainly based on the trees okay thank you bye